किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो बहुत टेंशन हो जाती है क्योंकि इससे हार्ट को भी प्रॉब्लम आती है तो सर जी आज आपके सामने एक नया क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे आप स्ट्रोल के साथ साथ आप मेडिकल लाइन की भी बहुत नॉलेज रखते हैं और बहुत अच्छे सुझाव देते हैं तो प्लीज़ आप आज कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताइए कि अगर ये बढ़ जाए तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं और इसके नुकसान क्या है प्लीज़ इसके बारे में डिटोल ये क्यों बढ़ता है इसके बारे में डिटेल से बताइए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो बहुत टेंशन हो जाती है और किसी को बहुत टेंशन बढ़ जाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं एक बात दूसरी बात ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो मसला है ये टोटली मेडिकल मसला है और आपका जो फैमिली डॉक्टर है वो बेस्ट आदमी है आपको सलाह देने वाला क्योंकि आपकी सारी हिस्ट्री जो है वो उसके पास है हेल्थ के मामलों में जब तक हिस्ट्री ना पता हो कि आपके पेरेंट्स को भी ये इशू था या नहीं था या हार्ट का कोई इशू था या नहीं था आपका ब्लड ग्रुप क्या है आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं आपका फैमिली डॉक्टर आपका बेस्ट फ्रेंड है मेडिकल एडवाइस लें एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरी जो एक्सपर्टाइज है वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और मैंने पूरी की पूरी एक किताब लिखी है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे और दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो उसको रेफरेंस बुक की तरह यूज करते हैं एमेजोन पे अवेलेबल है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के नाम के ऊपर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं लिंक भेज सकता हूं उसमें सारा विवरण है कि एस्ट्रोलॉजी का क्या दखल है मेडिसिन uh, या बीमारी के उसमें जर्नली स्पीकिंग और मैं फिर से रिपीट कर दूं जर्नली स्पीकिंग कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है पशु आहार लेने से या पशु का कोई भी चीज खाने या पीने से जब हम पशु की बात करते हैं तो पहला दिमाग में बात आती है नॉन वेजिटेरियन फूड और क्वेश्चन दिमाग में यह आता है कि वेजिटेरियन लोगों का भी तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा होता है जब वो मीट मांस मच्छी नहीं खाते तो फिर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों बढ़ जाता है इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो जो पशु आहार है वो खाते हैं पशु आहार क्या होता है एग्जाम्पल क्या है दूध दूध जो है वो गाय और भैंस से बकरी से ऊंट से आया है तो वो पशु से है उसी दूध से निकला हुआ मक्खन उसी दूध से बना हुआ घी तो उसी दूध से बनी हुई दही तो ये सारे के सारे जो भी पशु आहार है उसके साथ कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में आएगा ही आएगा बिना पशु आहार के कोलेस्ट्रॉल नहीं आ सकता और आपको शायद मालूम हो जहां तक मुझे मालूम है कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ इंसानों की बीमारी है क्योंकि कोई भी कोई भी जानवर जो है मतलब ऑलमोस्ट कोई भी जानवर सिवाय अपनी मां के किसी और का दूध नहीं पीता सिर्फ इंसान ही है जो किसी का भी दूध पी लेते हैं गाय का भैंस का बकरी का इसका उसका बाकी किसी लिविंग बींग में ऐसा नहीं होता आपका फैमिली डॉक्टर आपका बेस्ट दोस्त है उससे सलाह लें और जैसे मैंने आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल से स्ट्रेस बढ़ जाता है तो और मैंने बताया कि स्ट्रेस बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता स्ट्रेस का ध्यान रखें थैंक यू